हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के टॉपिक है हमारा क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स हिंदी मीडियम का धारा विद्युत। धारा विद्युत के फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा है कि हम विद्युत धारा क्या है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब हमारा जो उसका सेकेंड पार्ट है, इसमें हम उसको कंटिन्यूस आगे करते हैं। लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा था प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, इसी क्रम में आगे अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, देखिए प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव हमने लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियो हमारा आपने देखा होगा, तो मैं उस वीडियो में आपको बताया था कि प्रतिरोध जो है ताप के समानुपाती होता है, मतलब हम ताप को जैसे जैसे बढ़ाते हैं प्रतिरोध में बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट में उसको पढ़ें, आपको 11th क्लास का यदि एक टॉपिक याद होगा तो वहाँ पर हम पढ़े थे L इक्वल टू एल नाट वन प्लस अल्फा टी। ये यहाँ पर अल्फा क्या है, रेखी ताप गुणांक है। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि यदि किसी चालक तार के ताप में टी डिग्री का परिवर्तन करें तो तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यदि हम प्रतिरोध पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ से। चूँकि देखिए छोटा सा डेफिनेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर इक्वल आर नाट वन प्लस अल्फा इंटू टी। यहाँ पर R क्या है, यहाँ R है T डिग्री पर किसी चालक तार का प्रतिरोध, और R नाट मतलब जीरो लगा है वहाँ पर, तो जीरो डिग्री पर उस तार का प्रतिरोध है, और अल्फा यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो आगे हम इसको यदि सॉल्व करें, ये दो नंबर का छोटा सा आपका क्वेश्चन हो सकता है अल्फा का परिभाषा के लिए, आगे इसको सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा आर इक्वल, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो आर नाट प्लस आर नाट इंटू अल्फा इंटू टी हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ आर नाट को मैं ट्रांसफ़र कर दूँ तो मिल जाएगा आर नाट इंटू अल्फा इंटू टी इक्वल टू आर माइनस आर नाट। क्लियर, दैट इम्प्लाइज इसको हम अल्फा के लिए सॉल्व करें तो अल्फा इक्वल टू आर माइनस आर नाट अपॉन आर नाट इंटू टी। इस तरह से हमको अल्फा का ये फार्मूला मिलेगा, जहाँ पर हम अल्फा को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको बोला जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। अब यदि हमको अल्फा को परिभाषित करना है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं, यदि हम आर नाट का वैल्यू आर नाट इक्वल टू हम ले लें 1 ओम और टी इक्वल टू ले लें 1 डिग्री सेल्सियस, यदि ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो हमारा ये फार्मूला किस फॉर्म में हो जाएगा। उस कंडीशन में अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर आप फार्मूला में देखिए कि ये आर नाट को हमने 1 ले लिया तो 1 हो गया, ये टी को भी हमने 1 ले लिया ये भी 1 हो गया, तो बच जाएगा आर माइनस आर नाट। इस प्रकार से हम अल्फा को लिख सकते हैं आर माइनस आर नाट, ये ऐसा लिखा जा सकता है, और यहीं से हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। हम यहाँ से इसकी परिभाषा कैसे कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर इसकी परिभाषा को आप ध्यान से सुनिए, किसकी परिभाषा, प्रतिरोध ताप गुणांक। कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रतिरोध ताप गुणांक का परिभाषा पूछा जा चुका है कि प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं। तो आप इतना थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन बताने के बाद इस पोर्शन में आके इसकी परिभाषा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या कहता है हमारा, हमारे पास एक चालक तार है जिसका 0 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। मतलब उस चालक तार को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। अब हमने क्या किया, उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया, मतलब चालक तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, और हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तो उस कारण उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है ये प्रतिरोध में वृद्धि है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर
उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। एक बार और मैं इजी लैंग्वेज में उसको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाला तार है, क्लियर। हमने उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लिया, ऐसा करने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि हो गई, क्योंकि प्रतिरोध में वृद्धि है, तो प्रतिरोध में जो वृद्धि हो गई वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। ये जो मैं लिखा हूँ R-R0, ये है प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि है ये, क्लियर। तो यह प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। बस इतना छोटा सा और इजी टॉपिक है, 2 मार्क्स का, कई बार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। आपको याद होगा इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, जहां पर हम कैपेसिटर पढ़े, संधारित्र पढ़े, वहां पर मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर को किस तरह से जोड़ा जाता है, उसी तरह से यहां पर भी प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर, प्रतिरोधों का समूहन। समूहन मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस प्रकार से आपको यदि प्रीवियस चैप्टर मेरा आपने देखा है तो वहां आपको पता होगा श्रेणी समूहन और समांतर समूहन दोनों का मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। आपने वहां पर पढ़ा है कि श्रेणी समूहन में क्या होता है, आवेश या धारा नियत होती है और समांतर में विभव। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम यहाँ पर इसके 2 समूहन पढ़ेंगे। पहला समूहन होगा हमारा श्रेणी समूहन, श्रेणी समूहन इंग्लिश में हम इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी समूहन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए सपोज ये एक रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो ये एक प्रतिरोध हो जाएगा, ये एक दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा, यह एक तीसरा प्रतिरोध, ऐसे हम बहुत से प्रतिरोध ले लेते हैं। इसका हम एक बैटरी के साथ में और एक सेल के साथ में इसको कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला वाला जो प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध सपोज R1 है, दूसरे का प्रतिरोध सपोज R2 है, तीसरे का प्रतिरोध सपोज R3 है, इसमें जब हम धारा I प्रवाहित करते हैं तो नेचुरली यह धारा सभी में समान रूप से वितरित होगी और ये वापस रिटर्न आ जाएगा यहाँ बैटरी में, क्लियर। अब सबका जो विभव हो, विभव अलग अलग होगा, इसका ये पॉइंट यहाँ पर अलग अलग है तो विभव V1 हो गया, इसका विभव V2 हो गया, इसका विभव V3 हो गया। इसके नीचे हम इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनके विभव क्रमशः V1 V2 तथा V3 है तथा उनमें प्रवाहित धारा I है। यहाँ पर आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये परिवर्तित नहीं होता। अब आगे हम इसको डिराइव करें तो यहाँ पर कुल विभव जो होगा कितना हो जाएगा, V=V1+V2+V3, ये हो जाएगा रिलेशन नंबर फर्स्ट। परंतु अपने को पता है बट V=, क्या होता है, I×R होता है, तो V=I×R होता है। इस बेस पर यदि हम क्या लिखें, V1 लिखें तो क्या हो जाएगा, I×R1, यदि हम V2 निकालें तो V2 हो जाएगा I×R2, इसी तरह से V3 यदि हम निकालें तो V3 हो जाएगा I×R3, क्योंकि यहाँ पर I कांस्टेंट है। तो अब ये V1, V2, V3 सभी का वैल्यू हम रिलेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दें तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, इसलिए X है, समीकरण 1 में इसका मान भर दें तो हो जाएगा I×R=I×R1+I×R2+I×R3
आर थ्री, ये हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज दोनों साइड से आई कॉमन निकलेगा और दोनों साइड से आई कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये हो जाएगा इसका कुल प्रतिरोध। इस प्रकार से देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका जो परिणामी या उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप याद रखना, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स का मेरे सेशन में आप इस पर न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, अभी आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ये फार्मूला को तैयार करना है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा श्रेणी समूहन। नेक्स्ट है समांतर समूहन। समांतर समूहन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट अलग अलग होता है लेकिन विभव कांस्टेंट होता है। यह सेकंड है समांतर समूहन पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पर आप ध्यान रखना, पैरेलल में भी मतलब विभव ये कांस्टेंट होता है, ये आप कभी नहीं भूलना। ये बेसिक कांसेप्ट ही है कि किस में कौन कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम इसका एक सर्किट बना देते हैं छोटा सा, देखिए। तो ये एक प्रतिरोध सपोज R1 है, ये हमने दूसरा प्रतिरोध लिया R2, और सपोज हमने ये तीसरा प्रतिरोध लिया सपोज R3। इन तीनों प्रतिरोधों को हम एक बिंदु से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए, इस प्रकार से ये हो गया समांतर समूहन। अब इसके साथ में एक की और एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम यहाँ से इसमें आई धारा प्रवाहित करेंगे तो आई धारा प्रवाहित करने पर ये तीन भाग में यहाँ पर इस बिंदु पर आके तीन भाग में बढ़ जाएगा। सपोज यहाँ से गया I1, सपोज यहाँ से गया I2 और सपोज यहाँ से गया I3। आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक डिफरेंस देखिए, वहाँ पर I कांस्टेंट था, सब में I धारा प्रवाहित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर धारा का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, इसका विभव, इस सिरे और इस सिरे का विभव, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन पॉइंट दो ही हैं ए और बी, तो इसका विभव क्या हो गया, वी। अब हम जैसे वहाँ पर कुल धारा निकाले थे उसी प्रकार से यहाँ पर हम निकालेंगे, वहाँ पर कुल विभव निकाले वैसे यहाँ पर हम कुल धारा निकालेंगे। तो इसलिए कुल धारा आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, रिलेशन नंबर फर्स्ट। बट ओम्स लॉ से अपने को पता है कि वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई इन टू आर, इसलिए हम आई का मान निकालना चाहें तो आई इक्वल टू हो जाता है वी अपन आर। देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू वी अपन आर वन, भी तो कांस्टेंट है, I2 इक्वल टू हो जाएगा वी अपन आर टू, और I3 इक्वल टू हो जाएगा वी अपन आर थ्री। इन तीनों मानों को हम समीकरण नंबर एक में पुटअप कर देते हैं, वहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सरल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को यहाँ पर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, I की जगह लिखेंगे वी अपन आर, ये वी अपन आर इक्वल टू वी अपन आर वन प्लस वी अपन आर टू प्लस वी अपन आर थ्री। दैट इम्प्लाइज दोनों साइड से वी को कॉमन कर लें तो वी कॉमन करने से वो कट जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, वन अपन आर इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। ये समांतर समूहन का फार्मूला है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका फार्मूला वन अपन आर इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री होता है। इस प्रकार यदि आप श्रेणी और समांतर समूहन के कॉन्सेप्ट पर कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि श्रेणी समूहन में सभी के प्रतिरोध क्या जुड़ते हैं, इसलिए श्रेणी समूहन में प्रतिरोध अधिक हो जाता है, किंतु समांतर समूहन में चूँकि इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होकर जुड़ रहा है इसलिए इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब अपने बिल्डिंग में अपने घर में जो हम विद्युत की फिटिंग कराते हैं वो किस समूहन में होता है, वो समांतर समूहन में होता है। आगे मैं जब और इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ाऊंगा तो आपको इस बात को बताऊंगा
कि घर में जो बिजली फिटिंग है समांतर समूहन में होता है, उसके दो तीन फायदे हैं। पहला फायदा ये कि समांतर समूहन में करने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम घर में यूज़ करते हैं, सबके प्रतिरोध का भी हम सीधा सीधा जोड़ दें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि श्रेणी समूहन में जो उपकरण हैं वो एक के बाद एक जुड़े रहते हैं, तो यदि बीच का कोई उपकरण खराब हो गया तो आगे के सभी उपकरण में करंट सप्लाई होना बंद हो जाएगा। लेकिन समांतर समूहन में सब के सब अलग अलग जुड़े होते हैं, ये देखिए सब अलग अलग जुड़े हुए हैं। मान लो इसमें किसी कारण से इस उपकरण में धारा प्रवाहित होना बंद हो गया तो ये दोनों उपकरण तो काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों में तो करंट जाएगा, इनके इनसे कोई संबंध नहीं है। तो घर की जो विद्युत फिटिंग होती है, कभी आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि घर की जो बिजली फिटिंग होती है, घर का इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है वो किस क्रम में होता है, तो आप आंसर में और क्यों होता है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, घर का जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो समांतर क्रम में होता है, क्योंकि समांतर क्रम में उपकरणों को जोड़ने पर परिणामी या तुल्य प्रतिरोध का मान कम होता है, तथा इसके साथ ही साथ यदि किसी एक उपकरण के खराब हो जाने पर कि और उपकरणों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण हम इसको यूज़ करते हैं। बाद में इसके जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और सर्किट बनाएंगे, इसके सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल के सेक्शन में आपको मैं कराऊंगा, क्लियर। इसके बाद इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी और आपके IIT JEE नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हमेशा कवर होता है, वो है कार्बन प्रतिरोध। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, इसको आप ध्यान से समझिए। कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस, ये क्या होता है देखिए, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस, नाम से स्पष्ट है। कार्बन रेजिस्टेंस मतलब क्या होता होगा, कार्बन से बना हुआ रेजिस्टेंस होता होगा, नेचुरली वैसा ही है कि ये कार्बन की सहायता से एक स्पेशल डिजाइन रेजिस्टेंस है, इसको हम कार्बन प्रतिरोध कहते हैं, या इसका एक और नाम है, इसको कलर कोड रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। कलर कोड रेजिस्टेंस क्यों कहा जाता है अभी आपको बताऊंगा आगे मैं, क्योंकि कलर कोडिंग की सहायता से इसमें प्रतिरोध का गणना किया जाता है। एक्चुअल में ये होता कैसा है देखिए, ये एक छोटा सा ये डिवाइस है, इस तरह से सिलेंड्रिकल छोटा सा होता है, जैसे कैप्सूल होता है, टेबलेट कैप्सूल जैसा होता है, उस टाइप का है ये। इसमें दो टर्मिनल पॉइंट होते हैं कि ये एक ये, क्लियर, एक टर्मिनल पॉइंट ये है सपोज पी, और एक टर्मिनल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट मतलब जहां से हम उसको कनेक्ट करेंगे क्यू। इसके बाद इसमें क्या होता है, चार रंगों की धारियां होती हैं, इस प्रकार से इसमें चार रंगों की धारियां होती है। देखिए मैं यहां पर बता दूं, ये एक कलर हो गया, ये ए, ए रंग की धारी होता है, दूसरा फिर एक कलर होगा बी, क्लियर, इस प्रकार से। इसके बाद फिर तीसरा रंग होगा सी, और चौथा रंग जो होता है वो डी होता है, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अब्सेंट भी हो सकता है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। इस प्रकार से इसमें चार रंगों की धारियाँ होती हैं, ए बी सी और डी, ये चार रंगों की धारियाँ इसमें। अब इसमें जो ए बी तथा सी है उनका अलग चार्ट है और डी का अलग चार्ट है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ए बी तथा सी के रंग, ए बी तथा सी के रंग, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी में कौन कौन से रंग उपयोग में लाए जाएंगे, तो इसका रंग होता है देखिए काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी, स्लेटी और सफ़ेद। ये इसमें कितने कलर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कलर, क्लियर। हरा के बाद नीला होता है, सॉरी ये बीच में एंट्री करा, इसका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, इसको भी मैं याद रखने का ट्रिक्स बताऊंगा आपका।
जो कलर जहां है वहीं रहेगा। तो 10 कलर्स होते हैं, ये इसके रंग हैं और हर रंग का अपना एक कोड होता है। अब इन रंगों के आगे मैं इनके कोड को लिख रहा हूँ। तो कोड स्टार्ट होता है काला, यहाँ से इसका कोड है 0, इसके बाद 1, इसीलिए क्रम से लिखा गया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इसके कोड हैं। मतलब 0 से स्टार्ट होता है 9 तक, मतलब 10 कलर हैं इसमें। और इन 10 रंगों में से ही कोई 3 रंग छांट के ए बी सी की जगह में रखा जाएगा, ए बी तथा सी के रंग, डी में नहीं, डी का अलग चार्ट है। रंग रिपीट भी हो सकते हैं, आप ऐसा मत समझना कि तीनों में से 3 लेना है, तीनों लाल हो सकते हैं, तीनों नारंगी हो सकता है और 2 लाल 1 नारंगी, मतलब इन 10ों में से कोई भी अपने को लेना है। इसके बाद फिर अपन देखते हैं डी के रंग। नेक्स्ट हम देखते हैं डी के रंग, मतलब चौथा नंबर का जो स्ट्रिप है उसका क्या रंग होगा। तो डी रंग में सबसे पहले हो सकता है सुनहरा, मतलब गोल्डन कलर। दूसरा हो सकता है चांदी, सिल्वर कलर। और तीसरा हो सकता है अनुपस्थित, मतलब चौथा कलर गायब भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं कि चौथा हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि डी जो है ऑप्शनल कलर है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि किस प्रकार से आप इसके प्रतिरोध की गणना करेंगे। तो इसकी प्रतिरोध, अच्छा ये जो डी के रंग है वो क्या प्रदर्शित करता है इसको भी बता दूं मैं आपको। ये जो डी का रंग है वो उसके टॉलरेंस, मतलब सहनशीलता, हिंदी में बोलते हैं सहनशीलता इसकी, इंग्लिश में टॉलरेंस। सहनशीलता का मतलब क्या होता है कि किस मात्रा तक वह उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो सुनहरा रंग रहेगा तो उसका सहनशीलता ±5% गिना जाएगा, मतलब 5% को ज़्यादा या 5% कम को बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा यदि उसमें वृद्धि या कमी कर दें तो वो खराब हो जाएगा। चांदी रंग का क्या होता है, ±10% होता है, ±10% हो गया ये। और अनुपस्थित रहे तो ±20%, प्लस माइनस लिखने का मतलब है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसके प्रतिरोध के गणना करने का फार्मूला है R=AB×10⁻¹⁰ ओम और ±D%। इस तरीके से इसके प्रतिरोध को लिखा जाता है, जहां पर ए बी क्या है, बी इकाई का अंक है, ए दहाई का अंक है और 10 के घात में सी इसके कोड को लिखा जाएगा इस प्रकार से। अभी मैं एक एग्जांपल देख के आपको समझा रहा हूं। अब यहां पर देखिए कि प्रतिरोध की हम गणना कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैं यहां पर एक क्वेश्चन दूं आपको, सपोज यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखा कि हमारे पास एक कार्बन प्रतिरोध है जिसमें लाल, पीला, नीला और मान लो सुनहरा इस रंग की धारियां हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि मान लो किसी कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग और सुनहरे रंग की धारियां हैं, मतलब उसकी पट्टियां हैं, तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लाल रंग का कोड। तो लाल रंग का कोड यहाँ से आपको पता रहेगा कितना, 2। तो लाल रंग का कोड कितना हो गया, 2 हो गया। और लाल रंग यहाँ पर क्या है, ए है, पहला कलर है, तो लाल मतलब मैं ए लिख दिया, वो हो गया 2। उसके बाद पीला रंग का कोड, पीला मतलब क्या है, बी। ये देखिए पहला रंग क्या होता है, लाल, पहला रंग क्या होता है, ए होता है, दूसरा रंग बी होता है, तो दूसरा रंग हमारा क्या है, पीला। अब यहाँ पर देखो पीला रंग का कोड कितना है, 4, तो ये हो गया इसका कोड 4। उसके बाद कौन सा कलर है आपका, नीला है जो कि सी है, और सी का कोड क्या है, देखिए नीले रंग का, नीले रंग का कोड कितना है, 6 है, तो आप 6 लिख लेंगे। और सुनहरा, सुनहरा जो कि डी कलर है, प्लस माइनस सुनहरे के लिए टॉलरेंस कितना है, 5%। तो ये आपको याद रहना चाहिए, यदि ये आपको याद नहीं है तो आप इसके प्रतिरोध का मान को नहीं बता सकते। कुल मिला के इसको अभी मैं याद रखने का आपको ट्रिक्स बताऊंगा। अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध R बराबर, ये मैंने सूत्र बताया है, देखिए A, मैंने A के जगह में क्या लिखना रहेगा, A के कोड को लिखना रहेगा, तो कितना हो गया, 2, ये 2 हो गया। इसके बाद B, तो B का कोड कितना है, 4, ये 4 हो गया। और इनटू 10 की घात में C,
तो ये हो गया 10 की घात और c का कोट कितना है 6, तो ये हो गया 24×10⁶ ओम प्रतिरोध हो गया। और नीचे में लिख देंगे उसके टॉलरेंस को, जो कि यहाँ लिखा जाता है, तो हो जाएगा ±5%। इस प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं। मतलब यदि हमको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी कार्बन प्रतिरोध में लाल, पीला, नीला, हरा, नीला तथा सुनहरे रंग की धारियां हैं, तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी रंगों का क्रम से कोड लिखेंगे जो हमको याद रहेगा, और ये जो मैं फार्मूला बताया उसमें आपको उसको पुट कर देता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। अब यहाँ पर मुख्य बात आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम इसको कैसे याद करेंगे क्रम से। जैसे मुझे याद है बीच में मैं नीला को भूला था, तो मैं चेक कर लिया कि मुझे यहाँ नीला लिखना चाहिए। तो बहुत आसान से इसका तरीका, बुक्स में तो बहुत तरीके दिए रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसका बहुत आसान तरीका बनाया हूँ, जो जिसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, और उसी तरीके से आप उसको याद कर लीजिए। जहाँ पर मैंने सबके पहले वर्ड को ले लिया है और इस तरह से बनाया है, आप लिखिए का भूला, एक सेंटेंस बन जाएगा का भूला। और जैसे अपन किसी को बोलते हैं क्या भूल गया, तो लोग का भूला ना पी हनी, का भूला ना पी हनी और बैसलेस, जैसे मुझे याद है। आप अपना तरीका भी याद करने का बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप करो, यदि इजी लगे तो आप इसी को फॉलो करो। का भूला ना पी हनी बैसलेस, तो देखिए काला वहाँ मिलाइए आप उसको, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी और सफ़ेद, ये इसको याद रखने का तरीका है। और अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाए तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे मुझे कोई पूछे कि सर एक कार्बन प्रतिरोध में ये रंग की धारियां हैं, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो मैक्सिमम 30 सेकंड में मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। कैसे, मैंने अपने उंगली से उसका प्रैक्टिस किया हुआ है। कैसे उंगली से प्रैक्टिस किया हुआ है, देखिए उंगली जब क्लोज्ड है तो का मतलब 0, का उसके बाद भू ला ना पी ह नी बैसलेस, मतलब जिस नंबर का उंगली उठ रहा है वो उसका कोड है। का मतलब 0, का उसके बाद भू 1, ला ना पी ह नी बैसलेस, ऐसा। तो उसको आप ऐसे बता सकते हैं, आप आपका अपना तरीका हो सकता है। दैट मीन्स ये कठिन नहीं है। यदि आपको इसका कोड याद हो, का भूला ना पिहनी, मुझे कोई पूछता है, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर एक कार्बन प्रतिरोध में ये कलर है क्या होगा, तो ऐसे ब्रेन में का भूला ना पी, ये इसका कोड है, तो सीधा अपन उसमें पुट अप कर देते हैं और बता सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्लियर। तो ये आपको चार्ट याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार मल्टीपल चॉइस में इसके क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, कार्बन प्रतिरोध किसे कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे, ये कोड को पूरा लिखोगे, और नीचे में एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर देता है, यदि किसी कार्बन प्रतिरोध में ये रंग की पट्टियां हैं या धारियां हैं, तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आप वहां से उसके प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रतिरोधों का समूहन और कार्बन प्रतिरोध को बताया। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, धारा विद्युत का जो थर्ड पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग मतलब विद्युत परिपथों का जाल स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं उसको इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हम किरचॉफ के नियम से हम एक नया चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक प्रतिरोध को अच्छे से तैयार करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मिलेंगे किरचॉफ के नियम को लेकर। ओके, थैंक यू।